नवी मुंबई नेटवर्क। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। इल्म व अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। आपसी भाईचारे को मजबूत करने और रमजान महीने के पाक मौके पर प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कोपेखैरने सेक्टर 11 स्थित आजाद मैदान में नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कोपेखैरने पुलिस थाने के माध्यम से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां नवी मुंबई के तमाम मुस्लिम बांधवों को रमादान की शुभकामनाएं देने इफ्तार पार्टी में पूर्व महापौर सागर नायक, परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे, तुर्भे स्टोर मस्जिद ट्रस्ट के आलम बाबा, सहाय पुलिस आयुक्त, पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल, शंकर मोरे, रविकांत पाटिल, कृष्णा पाटिल, केशव मात्रे, सभी धर्म के धर्मगुरु, कोपेखैरने पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भोसले, नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पाक रमजान के पवित्र महीने में एक साथ रोजेदारों के साथ बैठकर उपस्थित मान्यवरों और पुलिस अधिकारियों ने इफ्तारी ग्रहण की और सभी मुस्लिम बांधवों को रमजान की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपस्थित पूर्व महापौर सागर नायक, पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे और पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल ने सभी मुस्लिम बांधवों को इबादत के पाक महीने रमजान की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवी मुंबई शहर ये अमन का शहर है, जहां पर सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे में इफ्तारी पार्टी के आयोजन से निश्चित रूप से सामाजिक भाईचारा और बढ़ता है। ठिकाणी कोपेखैरने खेरने गावामध्ये नवी मुंबई पोलीस, कोपेखैरने विभाग आणि मुनावर पटेल यांच्या माध्यमातून रोजा इफ्तारचं आयोजन केलेले आहे। खऱ्या अर्थाने इफ्तारीच्या माध्यमातून अनेक आपले मुस्लिम बंधू हे एकत्र येतात, त्यामध्ये एक गुण्या गोविंदाने इफ्तारी साजरी करून एक एकीचं उत्तम उदाहरण त्या ठिकाणी देतात। नवी मुंबई शहराची ओळखच आहे की ते प्रत्येक सण गुण्या गोविंदाने धर्मजात वर्ण पंतभेद याच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी धर्माचे जतन करत त्या ठिकाणी साजरी केली जाते। तशाच प्रकारे हे आयोजन केलेलं आहे। मी आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद करतो आणि अशाच प्रकारे आपल्या शहराची एकी कायम राहून विकासाच्या दिशेने आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या विकासाची ही जर्नी ही चालूच राहील आणि या ठिकाणी तमाम नागरिकांना येणाऱ्या ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। मुंबई पोलिसांच्या वतीने कोपरखैरने गावामध्ये इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते। सदर इफ्तार पार्टीसाठी मुस्लिम, त्याचप्रमाणे हिंदू, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध या सर्व समाजातून लोकांनी हजेरी लावली। अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी रोजा इफ्तारीचा आजचा हा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे। याच्यामध्ये हनीफभाई पटेल, अनवरभाई खान या सर्वांनी अतिशय चांगली मेहनत घेतलेली आहे। या सर्वांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि रमजान महिन्याच्या पवित्र अशा या महिन्याच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहब के माध्यम से 25 साल जो उनका यहाँ पर शासन रहा है उसके अंदर सभी समाज के लोग एक साथ रहकर एक साथ मिलकर इस नवी मुंबई में बहुत ही आनंद से रहते हैं और आगे भी ये सब ऐसे ही चालू रहे। एक मैसेज देने का काम किया है कि नवी मुंबई के अंदर जो भी इतने सालों से हम लोग रह रहे यहाँ पर ना तो कोई कभी दंगा हुआ फसाद हुआ, सब लोग एकता से रह रहे, आगे भी एकता से रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो ये मैसेज गया है इससे नवी मुंबई के अंदर भाईचारा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।